Peki böyle ya karabinada kisi kakasılar da bahçam ne? Çapıl kayda, ha? Ben, ben tuşu kilanga, ormuzsa battım izin matkar. Samşan ha? Ormuz deriz sari nombor hamsa kaa deyenge. Ah, bariya khana bilanga açtı. Ha, tutana se khana ne banta? Banana padta hai. Mujhe to logo ko ullu banana aata hai. Khane to mere nokar banate. Main jaisa bolunga bilkul vaisa karna. खाना बहुत बढ़िया बनेगा काट में बावर्ची नहीं हूं मैं इस समय तुम लोग हमारे निशाने पे हो तो जल्दी से डिश बनाओ सुनो तुम में से किसी को कुछ कहना है तुम लोग मेरे लिए 56 भोज बनाना और साथ में बस काफी अब मेरी बारी 1 किलो पिज्जा और उसके ऊपर 500 किलो चीज डाल के भेज देना हां कसरत कर लेते हैं इतना खाना बनाना है हम सबको तो 1 किलो पिज्जा पे 500 किलो चीज कौन डालता है कैसे बनाएंगे मीट को छोटा-छोटा काटना और उसमें सॉसेज थोड़ा कम मिलाना तीखा पसंद नहीं है मुझे ये सारी बोतल डाल देगा इसमें तो गंदा बनेगा खाना ये खाने के नाम पे जहर बना रहे दोनों तुम सबको वी की चिंता होनी चाहिए देखो बेचारा पहले ही सो गया हां तो मैं कह रहा था कुछ उल्टा सीधा मत बनाना मेरा पेट खराब है आज कुछ हल्का फुल्का बना देना मेरे लिए जैसे किमची कढ़ी चावल मटर पनीर की सब्जी और पूरी मैं पूरा शादियों वाला खाना बनाना है और इमली की चटनी ले बोल ले तुम इमली की चटनी बोल रहा है बना देना और ज्यादा खट्टा मत करना चटनी को मुझे खट्टी चीजें पसंद नहीं है समझे ना तुम खाना बनाने से पहले एक चीज चेक कर लो सिलेंडर में गैस तो है ना बिना गैस के खाना किस पे बनाओगे चेक कर लो पहले ये डब्बे में क्या है खाना बनाने में कितना झंझट है शुगर उसे खोल के देख क्या है अंदर ये इतने सारे कीचड़ इधर क्या कर रहे हैं इसे खाना है क्या फेंको इसे उसे बिल्कुल फेंकना मत वो खास तरह के नूडल है उसे धो दो पानी से ध्यान से धोना नूडल को वरना वो टूट सकते हैं और बढ़िया बनाना टेस्टी सा और खुले में मत छोड़ना वहाँ पे बहुत सारे चूहे भी हैं जो खा जाएंगे सारा खाना ध्यान से तोबा 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 कितना गंदा किचन है उसके अंदर चूहे भी हैं चूहे नहीं वहाँ पे बहुत सारे मोटे मोटे सुअर भी है मैंने कल देखा और ये क्या खाने का सत्यानाश कर रहे हैं ये सब पागल हो गए क्या तुम लोग खाना बना रहे हो ये नूडल का मर्डर कर रहे हो बस करो बस हो गया यार अब उसमें नमक मिर्च मसाला डाल दो ओए शुकी तुझे पता है कितना डालना है नमक मिर्च मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि इसे धोना कैसे है उल्टा करके सीधा करके ये मैं कहता था ना ये बीटीएस में आने से पहले एक होटल में नौकरी करता था ढाबे पे इसलिए ये इतनी अच्छी तरह से आता है ना देख कितना बढ़िया कर रहा है जिस होटल में काम करता था वो होटल मेरा ही था मैंने इसे सब कुछ सिखाया है खाना बनाना इनके टैलेंट को देख के मुझे लगता है कि इन सबको होटल खोल लेना चाहिए बहुत बिक्री होगी और पैसे भी मिलेंगे सारे अंबानी से भी अमीर बन जाएंगे ये तो फिर पिज्जा रेडी हो गया है ये पिज्जा सफेद क्यों है ये लो बन गया पिज्जा देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है लेकिन पता नहीं स्वाद का क्या होगा मेरे पास एक धांसू आइडिया अगर हम खाने को कपड़े पहना कर सर्व करें तो कैसा लगेगा पक्का लोग चौंक जाएंगे ये सब देख के खाने को ना नंगे सर्व नहीं करना चाहिए उन्हें ना कपड़े पहना के सर्व करना चाहिए कपड़े पहना के तुम तो सच में अकल के ढक्कन हो सारे मैं तो मजाक कर रहा था ये तो मेरी स्पेशलिटी है मजाक करना तुम में से कोई बताएगा ये अंडा है या गोभी इसे काटना कैसे है बताओ जल्दी अगर वो अंडा है तो उसको अपने सर पे मार के तोड़ ले अगर वो गोभी है तो उसे चाकू से मर्डर कर दे समझा ना बहुत इजी है फोन काट दिया मेरा सर पे अंडा फूट जाएगा तो खाएगा क्या उसका सर तो ये बात तो सही कह रहा है तुम सब ठीक तो ना अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप देखो मेरा नाम सुनेगा वर्ल्ड वाइड हैंडसम शेफ जिन पहले वाला ही नाम ठीक था बदल ले फिर से ये बढ़िया नहीं वर्ल्ड वाइड हैंडसम शेफ आई एम सो कूल यू नो ये तो ठेंगा दिखा के हमें फूल बना रहा है जिन कैमरे में अंगूठा दिखाना बंद कर और खाना बना ले ढंग से ये सारे अपनी औकात भूल चुके हैं और नहीं तो क्या औकात दिलाऊं क्या याद माय गॉड 20 से टूट चुका है ये तो ये बचपना बंद करो और खाना बन चुका है तो लाओ हमारे पेट में गेंदे कूद रहे हैं मुझे कुछ नहीं बोलना तू ही बोल ले जो बोलना है जल्दी काम करो ये बता कौन सी चटनी के साथ तू पिज्जा को खाएगा बेवकूफ है क्या तू एकदम बारीक बारीक काटना इतना बारीक काटूंगा कि पेट में पच जाएगा ध्यान से उंगलियां मत काट लेना दो नंबर का खाना खिलाएंगे हम लोग आज तुम्हें मैं तो 5 स्टार होटल का खाता हूँ 5 स्टार होटल वाली शक्ल भी है तेरी हाँ और तुम्हें हाथना है क्या कम नंबर देंगे हम हमसे कौन लड़ाओगे तुम सब पर हमारी चारों ओर से नजर है जी सर मैं समझ चुका हूँ और बताओ अब इसका क्या करूँ मैं जा और उसे नाली में फेंक के अंदर डाल दिया इसने तो मत डाल तुमने सड़ी हुई छिपकली को खाने के अंदर क्यों डाल दिया मैं नहीं खाऊंगा ये खाना तुम लोग जो बना रहे हो खाने लायक तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कोई बात नहीं तेरे डॉगी जूनियर को खिला देंगे सारा खाना अच्छा नहीं हुआ तो मुझे तुम लोगों का जोक पसंद आया बहुत बढ़िया बस कर देखो तुझे पीटने लगेगा अब क्या एक खाना बना
डोसा लगाओगे? तुम लोगों को सुनाई भी दे रहा है कानपुर में हड़ताल हो चुका है, सुनो। हाँ बोलो, सुन रहे हैं हम लोग आ रहे हैं अभी, बन गया खाना। ओए वो लोग आ रहे हैं, हमें पीटने लगेंगे। ओए चल चल चल, वो सब आ रहे हैं, कहाँ छुपू मैं, कहाँ छुप, पीटने लगेंगे मुझे तो। आइए सर बैठिए ना, आप लोग थक गए होंगे खाना बना के। चाय ठंडा कॉफी कुछ लेंगे, बोलिए ना, मैं उठ जाता हूँ। हट, और तुझे अलग से बोलना पड़ेगा। हाँ हटता हूँ, चल चल साइड रहो, बैठने दो मुझे। अब जाके राहत की सांस मिली, कमर अकड़ गई थी। थोड़ी देर और खड़ा होता तो कमर तो टूट ही जाती। मेरा माथा गर्म हो चुका है खाना बना बना के। गर्म बर्फ का फ्रीजर वाला पानी लाओ, सर पे डाल देंगे ठंडा हो जाएगा। हमें पतली गली से निकल लेना चाहिए। अरे खाना जल जाएगा, दोबारा जाना पड़ेगा। चलो चलो चलो, बाय बाय, खाना बना के ही आना दोबारा। किचन में दोबारा आके अच्छा लग रहा है। खाना कहाँ गया, गायब तो नहीं हो गया? ओए इसके अंदर क्या है, ये चावल है या आटा? फाड़ के देख ले। हाँ तो फिर सफाई कौन करेगा, तू कर दियो। और क्या, मैं नहीं करूँगा बिल्कुल भी, मुझे नहीं आती सफाई करना।